इन दोनों में से कौन सा कलर बेस्ट है आज मैं ये चीज का पता लगाने वाला हूँ। ये है कैमल के ऑयल पेस्ट कलर, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये है प्लेयर के स्केच पेन, इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। एक ड्रॉइंग शीट को दो पार्ट में डिवाइड करके ऊपर लिख लेता हूँ डे 14, फिर एक तरफ स्केच पेन और दूसरी तरफ ऑयल पेस्ट लिख लेता हूँ। सोचने लगता हूँ क्या बनाऊं, जब भी मेरे माइंड में क्लिक होता है क्यों ना आज एक कपकेक बनाया जाए। वैसे मैं तो कुछ और बनाने वाला था लेकिन मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया कि आप कपकेक बनाओ, आपकी यूट्यूब फैमिली को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। चलो देखते हैं कि आपको ये पसंद आएगा या नहीं। ये ड्रॉ तो पूरी तरह से हो गया, बारीकी में कलर करने की। सबसे पहले मैं स्केच पेन से इसमें कलर करने लगता हूँ। जैसे इस ड्रॉइंग में कलर हो रखे थे मैं बिल्कुल उसके जैसे कलर करने की कोशिश करने लगता हूँ, पर फैसला आप लोगों के हाथ में। अब बारी इसमें कैमल कलर के ऑयल पेस्टर से कलर करने की। पहले तो मुझे ऑयल पेस्टर कलर यूज करने आते नहीं थे, पर मुझे अब बिल्कुल अच्छे से इनको यूज करना आ गया। इन कलर को फिल करने के बाद एक बार ब्लेंड करना होता है। अब बारी आउटलाइन करने की। ऑयल पेस्टर वाले कपकेक में मैंने तो पहले से आउटलाइन कर ली थी क्योंकि बाद में इसमें आउटलाइन नहीं हो पाती, सिर्फ और सिर्फ मुझे आउटलाइन करनी थी स्केच पेन वाले में। और देखते देखते ये आउटलाइन भी हो जाती है और दोनों बिल्कुल बनके तैयार हो जाता है।